एक ऐसा मंदिर जहां है लाखों अद्भुत घंटियों का अनोखा संसार। जहां कदम रखते ही चारों ओर घंटियों की अनंत पंक्तियां शुरू हो जाती हैं। एक ऐसा मंदिर जहां चिट्ठी लिखने से पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं और मिलता है न्याय। दोस्तों, आपके अपने चैनल देव भूला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा का पड़ाव है गोलू देवता मंदिर चिटई, जो अल्मोरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोरा पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है। हम धारानोला, एनटीडी, चिड़ियाघर, आईटीआई होते हुए मंदिर को जा रहे हैं। और ये गोलू देवता मंदिर में हम पहुंच गए हैं। यह है चितई बाजार का दृश्य। मंदिर के बाहर यहाँ प्रसाद की अनेक दुकानें हैं, जहाँ से हम पूजा का सामान और प्रसाद लेंगे। तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने को। चितई मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। चितई मंदिर भगवान शिव के अवतार भोले देवता को समर्पित है। ये देखिए, मंदिर की ओर जाते गलियारे के दोनों ओर विभिन्न आकारों की असंख्य घंटियां सुनहरी किरण की लाल चुनरी द्वारा लटकाई गई हैं। कोरोना की वजह से आजकल इनको ढका गया है। ये देखिए, हाथों में अर्पण हेतु चरावा लिए भक्तगण पंक्ति में खड़े हैं। अष्टकोणी आकार का चितई मंदिर चीड़ के वृक्षों से घिरा है। यहाँ पहुँचते ही आभास होता है कि यह एक जागृत और विशेष मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंशजों ने 12वीं शताब्दी में कराया था। समुद्र तल से मंदिर की ऊंचाई 1636 मीटर है। गोलू देवता कत्यूरी वंश में पैदा हुए थे और इस स्थान पर वे अपना न्याय दरबार लगाया करते थे, और आजकल की लोक अदालतों की तरह वे त्वरित निर्णय दिया करते थे। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं। उत्तराखंडी ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की असंख्य घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। ये अनगिनत घंटियां लोगों को न्याय मिलने या मनोकामनाएं पूरी होने की गवाह हैं। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार गौर भैरव माना जाता है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में श्वेत वस्त्रों में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। ये मंदिर है गोलू देवता के सेवक कलुआ मसाण का। गोलू देवता के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की जाती है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ मनोकामना करने या मन्नत मांगने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। यहाँ लोग बकायदा आवेदन पत्र लिखकर मन्नत मांगते हैं। बहुत से भक्त तो स्टाम्प पेपर में लिखकर भी अपनी बात रखते हैं। गोलू देवता अन्यायी को दंड देकर पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं।
इसलिए गोलू देवता मंदिर को इनका न्यायालय भी माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पर रविवार को प्रार्थनाएं नहीं भेजी जाती हैं। कई टनों में मंदिर के हर कोने में दिखने वाले इन घंटे घंटियों की संख्या कितनी है, ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए हैं। मंदिर की यह मान्यता भी है, यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। मंदिर के आंगन में बने झुनी कुंड के चारों ओर अनगिनत छोटे बड़े त्रिशूल गड़े हैं। ये भक्तगण मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी बांटते हुए मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर अल्मोड़ा की ओर टाना गोलू देवता का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार चितई गोलू देवता मंदिर के बाद डाना गोलू देवता के दर्शन करते हैं। डाना का अर्थ होता है पहाड़ या ऊंचाई पर स्थित स्थान। गोलू देवता के बारे में कहा जाता है कि यदि आप विवेक बुद्धि तथा निर्मल हृदय से उनसे कुछ मांगें तो वे आपकी सर्व इच्छा पूर्ण करते हैं। वे इस भाग के इष्ट देवता भी हैं। तो यह है गोलू देवता मंदिर की भक्ति शक्ति और अलौकिक चमत्कार की कथा। तो दोस्तों, फिर जल्दी ही किसी और सफर में मिलेंगे। तब तक आप अपने चैनल देख भुला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।